आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इंडिया में वो क्या है। ठीक है, तो इसको देखना है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर क्या इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, इसको समझते हैं। तो माइग्रेशन कहीं भी हो सकता है, किसी एक पॉइंट से लोगों का निकल के किसी दूसरे पॉइंट पर जाना माइग्रेशन होता है। बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल माइग्रेशन की। तो ऑब्वियसली यहाँ बात हो रही है कि किसी एक नेशन से निकल के किसी दूसरे नेशन की ओर जाना, यानी कि लेट्स से कि इंडिया से निकल के यूएसए में शिफ्ट हो जाना। ठीक है, ये क्या आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है। बट इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेशन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, देखिए दो टाइप से माइग्रेशन हो सकता है। ठीक है, इसके दो कैटेगराइजेशन है। एक है एमीग्रेशन और एक है इमीग्रेशन। ठीक है, एमीग्रेशन वर्ड जो आता है वो आता है एमीग्रेस से, और इमीग्रेशन जो वर्ड आता है वो आता है इमीग्रेस से। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है। तो इसको अगर एमिग्रेस का मतलब होता है एग्जिट, सीधा समझ लीजिए इसको इस तरीके से। तो ई फॉर ई आप इसको इस तरीके से पेयर कर सकते हैं। कैसे, ई फॉर ई। ठीक है, इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए, पकड़ लीजिए। ठीक, और इमिग्रेस का मतलब क्या होता है, इंटर, इन, सीधे अंदर आना। ठीक है, इसको आई टू आई आप इसको पकड़ लीजिए, एग्जिट इन और एग्जिट। ठीक है, इनसाइड और एग्जिट कर जाना, इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति किसी एक यूनिट के अंदर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, समझ गए, किसी एक देश से निकल रहा है, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से बाहर निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इमिग्रेशन कर रहा है, इमिग्रेशन कर रहा है, समझ गए। और अगर कोई व्यक्ति किसी यूनिट के अंदर आ रहा है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यूएसए के अंदर क्या है, वो आ रहा है, यहाँ से निकला और यूएसए के अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर व्यक्ति क्या कर रहा है, इमिग्रेशन कर रहा है। ठीक है, अब इसके नतीजे क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, इससे क्या होता है, इलीगल माइग्रेशन जब होता है तो नेबरिंग कंट्रीज को पॉपुलेशन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पॉपुलेशन सडनली बहुत तेजी से बढ़ जाती है। माइग्रेशन से बेनिफिट जो होता है, ये तो नुकसान है, चलिए ठीक है, बेनिफिट ये होता है कि रेमिटेंसेस आते हैं। रेमिटेंसेस का मतलब है जो लोग किसी एक देश से बाहर जाके किसी दूसरे देश में काम करते हैं, तो वो अपने घर में कुछ अपनी कमाई का हिस्सा भेजते हैं, जो कि इस देश के लिए फॉरेन करेंसी के इन्फ्लक्स का बहुत बढ़िया तरीका होता है, उसको कहते हैं रेमिटेंस, जो कि ये इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, ओरिजिनल कंट्री के लिए, सोर्स रीजन के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, दूसरा है, लेकिन नुकसान ये है कि लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होता है। जो ये लोग काम करने जाएंगे वो काम इसीलिए करने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इनकी जरूरत होगी, यहाँ जरूरत उनकी इसीलिए है क्योंकि ये लोग हाईली टैलेंटेड है, और हाईली टैलेंटेड लोग जब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो जो सोर्स रीजन है वहां पर टैलेंट का डेफिसिट हो जाएगा, और जो कि ज्यादा बड़ी कॉस्ट इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्केट जो है एडवांस स्किल के लिए, वो वाकई में एक ग्लोबल मार्केट है और बहुत ही डायनेमिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज ऐसे लोगों को कहीं से भी रिक्रूट करने की कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा पैसा देके, जिससे नुकसान अल्टीमेटली सोर्स रीजन जैसे कि इंडिया का होता है, क्योंकि यहाँ एक ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लोग यहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करते, यहाँ रहते नहीं, और यहाँ की इकोनॉमी को ज्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचाते। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बट जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने हिसाब से समझ के इनको लिखेंगे, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।